बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स क्लास फोर यूनिट नंबर वन वी आर गोइंग टू रिवाइज नाउ एक्सरसाइज नंबर 9 to 11 द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड आर ऑफ फ्रॉम एक्सरसाइज 10 एंड एक्सरसाइज 11 फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 10 इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व देम नॉर्मली एज वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस नॉर्मल सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू 675,000 एंड पहले छोटा हाउस फिर बड़ा हाउस नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द नॉर्मली अब ये जीरो है सारे आपने यहां से इसको फोर बनाया ये टेन हुआ फिर नाइन ये टेन हुआ फिर नाइन और ये टेन टेन में से थ्री गए सेवन नाइन में से फोर फाइव नाइन में से फाइव फोर फोर में से फाइव अगेन ही जा सकते नाइन सिक्स में से थ्री एंड टू 239,457 सिंपली आपने इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है इजी एंड रैपिडली ओके नाउ कम्स टूवर्ड एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज 11 कंप्राइज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हियर आई हैव रिटन एन वर्ड प्रॉब्लम नंबर एफ फ्रॉम योर बुक आई एम गोइंग टू रीड द प्रॉब्लम At an election, the winner got 317,434 votes. If the total votes was 587,151, how many votes did the runner-up get? They are saying कि election हुआ जिसके अंदर जो बंदा जीता उसके इतने votes थे जबकि total votes इतने हुए आप ये बताएं कि जो runner-up जो second number पे आया उसके कितने votes हुए total given है उसमें से ये given है रेस्ट मांग रहे हैं जब टोटल गिवन हो और उसके साथ एक वैल्यू गिवन हो टिप के तौर पे याद रखें उस क्वेश्चन है सबट्रैक्शन का ठीक है अब सबसे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसका डेटा बनाएंगे क्या पता है टोटल वोट्स टोटल वैल्यू ठीक है विनर गॉट विनर ने कितने लिए 317,434 नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द रनर अप जो सेकेंड नंबर पे आया उसके कितने वोट है We are going to subtract normally. 1 में से 4 नहीं जा सकता 1 हुआ ये 4 बन गया 11 में से 4 गया 7 4 में से 3 गया 1 अगेन ये 1 है ये यहाँ पे 6 हो गया 11 में से गया 7 नाउ 16 16 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 9 6 एंड 2 यानी कि जो सेकंड नंबर पे पर्सन आया इलेक्शन के अंदर उसके कितने वोट्स थे 269,717 ठीक है दिस वाज दिस इज अवर आंसर सेम इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले भी मैंने आपको दो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करके बताई थी अब एक ये थर्ड वन डिफरेंटली यहाँ सॉल्व कर दिए रिविजन के अंदर ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए ठीक है बाकी भी आपने रिविजन ऐसे ही कर लिया